Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया यानी असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त एतराज किया है और कहा है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और भारत का कोई मजहब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बतौर एक प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है। आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियत प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वॉयलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वॉयलेट किया है। ओवैसी ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की हार है और हिंदुत्व की जीत है। कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भावुक हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी उतना ही भावुक हूं, क्योंकि मैं नागरिक समानता में विश्वास करता हूं, क्योंकि एक मस्जिद 450 साल से वहां खड़ी थी, क्योंकि वहां मुसलमान बुजुर्गों की कब्रें थी। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में यह कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। एमआईएम चीफ ने बुधवार को ट्वीट करके कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह, हैशटैग बाबरी जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा की, फिर भूमि पूजन की जगह पर पहुंचकर जमीन पर लेटे और प्रणाम किया और एक पौधा भी लगाया।
इस मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। ये थी राम मंदिर भूमि पूजन पर असदुद्दीन ओवैसी की आपत्ति। वैसे लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, असहमति दर्ज कराने का भी अधिकार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेवाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।